क्लासेस पार्ट बोर्ड वर्ड चार्ट सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नंबर एक, ध्वनियों का लिखित रूप कहा जाता है वर्ण भाषा, ध्वनियों का लिखित रूप भाषा का है। नंबर दो, स्वरों की संख्या है पांच या ग्यारह, स्वरों की संख्या ग्यारह है। नंबर तीन, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है भाषा होती है या वर्णमाला, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। नंबर चार, दो वर्णों को मिलाकर नया वर्ण कहलाता है अयोगा या संयुक्त व्यंजन, तो दो वर्णों को मिलाकर नया शब्द नया वर्ण जो कहलाता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नंबर पाँच, ये पूरी तरह से ना तो स्वर है और ना व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अयोगा अयोगा आज डब्लू लैट क्वेश्चन आंसर।